दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। हम बात करने वाले हैं गाइस कि आप अपने फ़ोन में अपनी कॉल सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो में सिंपल स्टेप में आपको अपने फोन लेकर के आप अपने फ़ोन में अपनी कॉल सेटिंग कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो की जानकारी के लिए वीडियो लाइक से ज़रूर देखना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने के लिए गाइस सबसे पहले हमें अपने फ़ोन में अपनी डेवलपमेंट में जाना। डेवलपमेंट में जाने के बाद गाइस आपको उस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है थ्री बिंदी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, कॉल स्टोरी, सेट हेल्प एंड फेसबुक। तो गाइस हमें तीसरे ऑप्शन पे फिर से क्लिक करके यहाँ पर हमें सेटिंग पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन आ रहा है कॉलर आईडी स्पेंज, तो हम इस ऑप्शन को आपको ऑन कर देना है। अगर आपके फ़ोन में ऑफ है तो आपको भी ऑन कर देना है। तो गाइस बैक आ जाते हैं। बैक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है ब्लॉक नंबर, तो हमें इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अनकाउंट नंबर को जब हम क्लिक करते हैं और इस ऑप्शन को हम ऑन कर देते हैं तो अनकाउंट नंबर से क्या होता है गाइस, जैसे कि आपके फ़ोन में आपके जो कॉन्टैक्ट सेफ नहीं है उन्हें अनकाउंट बोलते हैं। तो वो ऑप्शन जो है आपको इस ऑप्शन को ऑन कर देंगे तो आपके वो नंबर ब्लॉक हो जाएंगे, तो आपके जो आपके फ़ोन में सेफ नहीं है। अगर आप चाहते हैं पर्सनल नंबर को कॉल ब्लॉक करनी है आपके ब्लॉक करनी है तो आपको एड नंबर पर क्लिक करके उसका नंबर डाल के यहाँ से आप ब्लॉक कर सकते हैं। तो वह बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है कॉलिंग अकाउंट, तो हमें कॉलिंग अकाउंट पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने फ़ोन में अपनी कॉलिंग अकाउंट पर क्लिक करना है, यहाँ पर सिम कार्ड, मोबाइल नेटवर्क कई, और यहाँ पर आपको कॉल वेटिंग करना है तो आप यहाँ से कॉल वेटिंग भी कर सकते हैं। और आउट आंसर कॉल इस ऑप्शन को जैसे कि आपको कॉलिंग अकाउंट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस ऑप्शन को आपको ऐसे रहने देना, सिम कार्ड मोबाइल नेटवर्क, तो आपको अपने नेटवर्क चूज करने हैं आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। और नीचे आपको अपना कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग, जैसे कि आप अपने किसी नंबर की जो कॉल है अपने नंबर में फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कॉल फॉरवर्डिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको अपने फ़ोन में अपनी कॉल वेटिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कॉल वेटिंग भी कर सकते हैं। नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है इनकमिंग कॉल सेटिंग, तो आप अपने फ़ोन में अपनी इनकमिंग कॉल सेटिंग भी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपको आउटो आंसर, जैसे कि आउटो आंसर से क्या होता है, जैसे क्या है आपका फ़ोन जो है आपकी कॉल आ रही है और आप फ़ोन उठा लेते हैं तो आपका खुद आंसर हो जाता है कुछ सेकंड के बाद, तो आप यहाँ से आउट आंसर भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एडवांस सेटिंग है तो आपको उस पर क्लिक करके आपके कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, कॉल वेटिंग भी कर सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है डिस्प्ले ऑपरेशन, तो हम उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर शॉर्ट वे पर क्लिक कर देना है, जैसे कि आपके फ़ोन में जो कॉन्टैक्ट है तो आप वो फर्स्ट नेम से शुरू करना चाहते हैं या लास्ट नेम से सबके, तो आप यहाँ से सुन नेम से करना चाहते हैं तो आपके लास्ट इस पर क्लिक कर देना है, फर्स्ट नेम से करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट नेम से पे क्लिक कर देना। तो गाइस बैक करते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है डिस्प्ले ऑपरेशन प्लीज, तो हम इस ऑप्शन को ऑन कर देना है। तो अगर बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और देखने को मिल जाता है क्विक रिमोन, तो हम उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जैसे कि गाइस आपके पास किसी व्यक्ति की कॉल आ रही है और आप उससे उसकी कॉल नहीं उठा पा रहे हैं, किसी काम में बिजी है, तो गाइस यहाँ पर आपको जब टाइम मिले तो आप यहाँ से उसे लेटर यहाँ से भेज सकते हैं। तो गाइस बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, आपको जैसे अपनी वॉल्यूम, रिंगटोन या मीडियम, अलार्म, जो भी आपका अपने साउंड लाना आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो गाइस बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है वॉइस मेल, तो हमें वॉइस मेल पर क्लिक कर देना, उसे एडवांस सेटिंग पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप वॉइस नंबर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर गाइस जैसे कि आपको जिस नंबर की वॉइस मेल भेजनी है जिस नंबर पे, तो उसका नंबर डाल के आप इसे यहाँ से ओके कर देंगे। तो गाइस इस तरीके से आप अपने फ़ोन में वॉइस मेल भेज सकते हैं। तो गाइस नीचे आ रहे तो नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है फ्लिप टू साइलेंट। फ्लिप टू साइलेंट को जब हम ऑप्शन को ऑन कर देते हैं तो फ्लिप टू साइलेंट से क्या होता है, जैसे कि गाइस आपके फ़ोन पर किसी की कॉल आ रही हो और अपना आपका फ़ोन जैसे कहीं रखा है तो आप उसे फ्लिप यानी कि उल्टा कर देते हैं तो आपकी जो रिंगटोन होती है वो साइलेंट हो जाती है। तो गाइस इस तरीके से आप अपने फ़ोन में अपनी कॉल सेटिंग कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।